Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review an aloe vera gel for you guys. Before I start with the review, मैंने सोचा थोड़ी सी बातें आपके साथ share कर दूँ. मैं aloe vera gel को क्यों use करती हूँ अपने skin care में? क्या मैं बहुत सालों से use कर रही हूँ? क्या मैंने अभी start किया है? So guys, मैं थोड़ा सी बातें आपके साथ थोड़ा सा अपना feedback share कर देती हूँ regarding aloe vera gel. सो गाइज पहले मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी. पहले से मैं बात करूँ तो 4 to 5 years पहले मैं एलोवेरा जेल को कुछ भी समझती नहीं थी. मेरे घर में इतने सारे एलोवेरा के प्लांट्स थे एंड मैं उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करती थी. और एक दो बार मैंने वो प्योर एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करना ट्राई किया तो मेरी स्किन पर एलर्जी हो गई. ठीक है, बट अब मैंने उसको फिगर आउट कर लिया विद टाइम कि अगर मैं उसको 5 मिनट से ज़्यादा ना रखूँ, एज इन सिर्फ 5 मिनट्स के लिए वो प्योर एलोवेरा जेल अपने स्किन पर लगाती तो मेरी स्किन पर कोई हार्म नहीं होता. 15-20 मिनट के लिए लगाती हूँ या लॉन्गर टाइम के लिए लगाती हूँ तो वो मुझे एलर्जी कर जाता है. ठीक है, अब मैंने एलोवेरा जेल को अपनी स्किन केयर रिजीम में क्यों ऐड किया? तो मैंने देखा कि मेरी स्किन ना थोड़ी डैमेज हो रही है. क्यों डैमेज हो रही है? ड्राई हो रही है, डैमेज हो रही है. एंड क्यों हो रही है? क्योंकि सारा दिन हम एसी में बैठती थी. मैं ऑफिस में होती थी, एसी में बैठती थी, उसके बाद बाहर निकलो पोल्यूशन, सनस्क्रीन नहीं वेयर करती थी, सबसे बड़ी दिक्कत. तो मेरी स्किन काफ़ी डैमेज होने लग गई, काफ़ी ड्राई होने लग गई, तो ड्राई पैचेस बनने लग गए, तो मुझे समझ में नहीं आता था. तो मैंने थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च वगैरह की एंड देन आई फिगर्ड आउट कि ठीक है, एलोवेरा जेल को अगर मैं अपने स्किन केयर रिजीम में इंक्लूड करती हूँ तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं. एंड देन मैंने एलोवेरा जेल को अपने स्किन केयर रिजीम में इंक्लूड करना स्टार्ट किया. रोज़ 15 मिनट मॉर्निंग में लगा के इसको वॉश करती थी, फिर एज अ स्लीपिंग मास्क यूज़ करना ट्राई किया. फिर धीरे धीरे करके एलोवेरा जेल को यूज़ करना एकदम मेरी एक हैबिट बन गई और मेरी स्किन को अच्छे एलोवेरा जेल की आदत सी पड़ गई है. ठीक है, तो बिना एलोवेरा जेल के मेरा स्किन केयर रिजीम नहीं होता कंप्लीट. सो इसी बेसिस पे मैं डिफरेंट डिफरेंट एलोवेरा जेल्स को ट्राई करती रहती हूँ. जो प्योर होते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो मुझे पसंद आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो नहीं आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. ठीक है, तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये पिलग्रिम का एलोवेरा जेल. पिलग्रिम एज अ ब्रांड आई एम रियली नॉट श्योर कि सब लोगों को पता है कि नहीं है. इट इज़ रिलेटिवली न्यू ब्रांड इन द मार्केट. काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं. मेरे चैनल पे भी आपको इनका रिव्यू वगैरह मिल जाएगा. तो ये इनका एलोवेरा जेल है फ्रॉम सीक्रेट्स ऑफ यूजू आइलैंड रेंज कोरिया का. तो पिलग्रिम एज अ ब्रांड ये लोग क्या फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड से इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं. मेड इन इंडिया ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट्स सारे इंडिया में ही बनते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं. तो ये जो पिलग्रिम का 99% एलोवेरा जेल है ये सीक्रेट्स ऑफ जीजू आइलैंड रेंज का से इंस्पायर्ड है फ्रॉम कोरिया. इसके ब्रांड कह रही हूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है इन्होंने कोरिया से पिक किए हैं. दिस इज देयर सीक्रेट्स ऑफ जीजू आइलैंड रेंज. इसका मुझे वॉल्केनिक लावा फेस वॉश ऑसम लगता है. अगर आपने नहीं ट्राई किया डेफिनेटली ट्राई करो. उसका कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पर है, पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स का. स्किन केयर का जो भी पूरा डेमो है वो भी मेरे चैनल पर एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. पिलग्रिम की ईयरली रेंज सीक्रेट्स ऑफ जीजू आइलैंड, उसका फेस क्लेंजर एज इन उसका फेस वॉश ऑसम है. एनीवेज लेट्स गेट बैक टू दिस एलोवेरा जेल. इस एलोवेरा जेल को मैंने काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ. आई हैव ट्राइड इट एज अ मॉइस्चराइजर, आई हैव ट्राइड इट एज अ प्राइमर, आई हैव ट्राइड इट एज अ नाइट स्लीपिंग मास्क, आई हैव ट्राइड इट एज अ डे स्किन केयर वाला स्लीपिंग मास्क. स्लीपिंग मास्क तो नहीं, डे टाइम में 15-20 मिनट के लिए जैसे यूज़ करते फेस पैक कह लो उसको. तो इट इज़ लाइक ऑल इन ऑल ऑसम. दिस इज़ अ 99% एलोवेरा जेल. सो एज इन सिर्फ बाकी 1% जो है इनको प्रिजर्वेटिव और थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं सो दैट ये प्रोडक्ट चले. नहीं तो जो प्योर वाला होता है वो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता बिना फ्रिज के. सो दिस इज 99% प्योर. और विद एलोवेरा जेल इसके अंदर क्या क्या है, इसमें वाइट लोटस है. वाइट लोटस क्या करता है हमारी स्किन में, हमारी स्किन के पोर्स को अनक्लॉक करता है, एक्ने और पिंपल वगैरह को सबसाइड करने में हेल्प करता है, उनको हील करने में हेल्प करता है. इट हैज़ ऑल्सो गॉट विटामिन ई इन इट. अगेन इट मॉइस्चराइजेज योर स्किन और आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करता है किसी भी इरिटेशन से. एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट विटामिन B5 इन इट. अगेन वो आपको आपकी स्किन की इरिटेशन को हील करने में हेल्प करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है. सो ये कहते हैं कि इनका ये जो एलोवेरा जेल है आप इसको कोई भी माइनर कट्स एंड वूंड होते हैं ना आप उस पर भी लगा सकते हो और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा. सो इन्होंने लिखा है आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? अप्लाई अ थिन लेयर टू योर स्किन ट्वाइस अ डे. कैन बी ऑल्सो अप्लाइड ऑन माइनर सनबर्न्स, कट्स एंड बग बाइट्स. सो इतना प्योर है
कि आप इसको अपने कट पे सनबर्न पे लगा सकते हो एंड एक्चुअली में वर्क करता है. अगर आपको सन में अगर आप बहुत ज़्यादा रहते हो, सन डैमेज बहुत होता है आपकी स्किन पे, अपने फेस पे घर आके फेस वॉश करके अच्छा सा कोट लगा लो एलोवेरा जेल का 15-20 मिनट के, देन वॉश इट ऑफ. बहुत यू नो आराम मिलता है अपनी स्किन पे. एटलीस्ट दिस वर्क्स फॉर मी. ठीक है, वर्कआउट करके आओ, फेस यू नो वॉश करो एंड एलोवेरा जेल लगा लो, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, उसके बाद आप इसे एज अ फेस मास्क लगा सकते हो. कैसे लगा सकते हो? आप थिक लेयर लगा लो अपने फेस एंड नेक पे एंड 15-20 मिनट्स के बाद वॉश कर लो, अमेजिंग रिजल्ट. उसके बाद आप इसे एज अ हेयर मास्क लगा सकते हो अपने हेयर पे. इसको लिबरली यू नो लगा लो या फिर अपने हेयर ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हो, तब भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा. ये भी मैंने ट्राई किया है. वैसे पहले मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी बालों पे, बट अब मैं हेयर ऑयल में एलोवेरा जेल को मिक्स करके लगाना स्टार्ट कर दिया एंड इट रियली वर्क्स. बहुत ही अच्छा है. और उसके अलावा हाँ, ये इन्होंने लिखा हुआ है, सो एज आई सेड, वाइट लोटस, विटामिन ई एंड विटामिन B5, ये अगेन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हील करने में हेल्प करते हैं. फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है और हर ऑल स्किन टाइप्स और हेयर टाइप्स के लिए है. एंड पिलग्रिम एज अ ब्रांड क्रूल्टी फ्री है एंड एक ऑसम प्रॉमिसिंग ब्रांड है. ठीक है, इनमें कोई पैराबेंस नहीं है, कोई SLS नहीं है, कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, नथिंग इज देयर. बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट है और अफोर्डेबल भी है. ये 200 ग्राम्स का प्रोडक्ट है, 275 में पड़ा है, लेकिन 1+1 का ऑफर आता रहता है पिलग्रिम की वेबसाइट पे, आप उस पर देख लेना. तो 275 में मुझे एक्चुअली में दो मिले हैं, तो अराउंड आप ये लगा लो 135 के अराउंड का एक पूरा मुझे मिला है और बहुत अमेजिंग है. अब मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ. एज आई सेड, एकदम फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता. सो दिस इज रियली गुड इन केस यू विश टू यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर, इन केस यू यूज इट एज अ प्राइमर. बहुत ही अमेजिंग है, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एक बार मैं जरूर बोलूंगी, अगर आपने यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड एलोवेरा जेल, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन फ्रॉम पिलग्रिम. बहुत अमेजिंग है, अफोर्डेबल है और एक अच्छा एलोवेरा जेल है. मैं तो इसको डेली एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी. मेरे को ना नॉर्मली एलोवेरा जेल्स जो है एज अ मॉइस्चराइजर इतने पसंद नहीं आते. नॉर्मली आई लाइक टू यूज देम एज अ यू नो स्लीपिंग मास्क या फिर मॉर्निंग में फेस वॉश करके 15-20 मिनट के लिए लगाती हूँ एज अ फेस पैक एंड देन आई जस्ट वॉश देम ऑफ. काफ़ी स्किन को सॉफ्ट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है एंड यू नो जो भी इरिटेशन होती है स्किन में काम डाउन कर देता है. जो भी आपके पिंपल और ड्राइनेस के भी इशूज हैं उनको भी काम डाउन कर देता है. बट ये एलोवेरा जेल को मैं एज अ मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ एज अ थिन लेयर. मॉर्निंग में फेस वॉश करती हूँ, हल्का सा यू नो एलोवेरा जेल लगाती हूँ, एक थिन सी लेयर एंड उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाती हूँ. सो पहला एलोवेरा जेल है जिसको मैं प्रॉपर एज अ मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, नहीं तो मुझे इतनी आसानी से कोई भी एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर पसंद नहीं आता. ऑनेस्टली नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है दे आर लाइक टू स्टिकी या मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत स्वेटी लगता है. बट दिस इज लाइक रियली रियली गुड एंड समर्स में एलोवेरा जेल को डेफिनेटली इंक्लूड करो अपने स्किन केयर में. बाहर से आते हो, सन डैमेज होता है, फेस पे पूरा लगा लो अच्छे से एंड उसके बाद 15-20 मिनट का वॉश इट ऑफ, अमेजिंग रिजल्ट. डेली करोगे सन डैमेज, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कम्प्लीटली रिवर्स होगा बट हाँ काफ़ी फर्क पड़ता है. ठीक है, सो ऑल इन ऑल आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट और अगर आपको ट्राई करना है आप डेफिनेटली कर सकते हो. So that's all for the mini review today. I hope aapko pasand aaya hoga and in case you like this review do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys, bye bye.